नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 5000 करोड़ के मेडिकल डिवाइस पार्क को मिली मंजूरी, सीएम ने केंद्र को कहा थैंक्स। प्रदेश भर में भरे जाएंगे होमगार्ड जवानों के 994 पद, सरकार को भेजा प्रस्ताव। सेकेंड टर्म की परीक्षाएं अप्रैल में, आधा ही सिलेबस पढ़ेंगे बच्चे। 9 लाख बच्चों को नए साल में मिलेगी वर्दी, सैंपलिंग के बाद भेजा सप्लाई ऑर्डर। शिमला से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को तोहफा, 7 जनवरी से शुरू होगी वोल्वो बस सेवा। एचआरटीसी ने खोला नौकरियों का पिटारा, 332 ड्राइवर होंगे भर्ती। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस मनाएगी विरोध दिवस, राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपेंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में करीब 5000 करोड़ का निवेश होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क का सालाना टर्नओवर 20,000 करोड़ होगा। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रदेश के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में करीब 5000 करोड़ का निवेश होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क का सालाना टर्नओवर 20,000 करोड़ होगा। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रदेश के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे देश में सिर्फ 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनने हैं। केंद्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए राज्यों की ओर से दी गई प्रोजेक्ट रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश के नालागढ़ में एक पार्क स्वीकृत हुआ है। फार्मा उद्योगों के हब के रूप में हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। मेडिकल डिवाइस पार्क बनने से यहां पर मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का उत्पादन होगा। इस पार्क के विकसित होने से नालागढ़ की पहचान मेडिकल उपकरण बनाने वाली इकाइयों के रूप में भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश के लिए पार्क मंजूर करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। 27 दिसंबर 2021 को पड्डल मैदान मंडी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। अवसर है भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष। हिमाचल सरकार पूरा कर रही है उपलब्धियों भरा 4 वर्ष का कार्यकाल। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से संपन्न होगा रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज 1 पन बिजली परियोजना, धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना का शिलान्यास तथा सावड़ा कुड्डू पन बिजली परियोजना का उद्घाटन। हम सभी साक्षी बनेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 27,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 27 दिसंबर 2021 11 बजे पूर्वान पड्डल मैदान मंडी हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप डीडी न्यूज, डीडी हिमाचल तथा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी देख सकते हैं। सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के। प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड जवानों के 994 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश में खाली पड़े होमगार्ड जवानों के पद भरने को लेकर विभाग की तरफ से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश भर में होमगार्ड जवानों के 1,982 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में विभिन्न जिला प्रशासन चुनाव और राज्य स्तरीय मेलों और त्योहारों जैसे अवसरों पर होमगार्ड जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं प्रदेश के अधिकतर पुलिस थानों का कार्यभार होमगार्ड जवानों के सहारे चल रहा है। प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड जवानों के 994 पदों पर भर्ती की जाएगी।
प्रदेश में खाली पड़े होमगार्ड जवानों के पद भरने को लेकर विभाग की ओर से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश भर में होमगार्ड जवानों के 1982 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में विभिन्न जिला प्रशासन चुनाव और राज्य स्तरीय मेलों और त्योहारों जैसे अवसरों पर होमगार्ड जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं प्रदेश के अधिकतर पुलिस थानों का कार्यभार होमगार्ड जवानों के सहारे चल रहा है। प्रदेश में होमगार्ड जवान पुलिस जवानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। गौर हो कि प्रदेश में वर्ष 2018 के बाद होमगार्ड जवानों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिसके कारण प्रदेश में होमगार्ड जवानों के खाली हो रहे पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे विभाग के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश में होमगार्ड जवानों की भर्ती को लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में खाली पड़े होमगार्ड जवानों के 1982 पदों में 50% पदों को भरने के लिए विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नव वर्ष पर होमगार्ड जवानों की भर्ती हो सकती है। प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 जनवरी से होने वाले अवकाश में छात्र सेकेंड टर्म का सिलेबस पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 जनवरी से होने वाले अवकाश में छात्र सेकेंड टर्म का सिलेबस पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ऐसे आदेश जारी किए हैं। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा की अप्रैल में परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। ऐसे में तय किया गया है कि टर्म 2 का सिलेबस इन छुट्टियों में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। 50% पाठ्यक्रम में से सेकेंड टर्म का प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा, यानी जो भाग फर्स्ट टर्म में कवर कर लिया जाएगा उस भाग से प्रश्न सेकेंड टर्म में नहीं आएंगे। फर्स्ट टर्म का परिणाम सार्वजनिक तौर पर घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि स्कूल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। वार्षिक परिणाम दोनों टर्म के अंकों का जोड़ करने के बाद ही घोषित होगा। वर्दी का नाम सुनकर अब कान पक गए हैं, मगर ये आज तक बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। कभी टेंडर फेल हो जाता है तो कभी कोरोना आ जाता है। ऐसे में छात्रों को समय पर ये सुविधा हासिल नहीं हो पाती है। अब पता चला है कि सरकार ने सप्लाई का ऑर्डर दे दिया है। देखते हैं अब कब तक ये वादा पूरा होता है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से निशुल्क वर्दी का इंतजार कर रहे 9 लाख बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए टेंडर रिन्यू करने के बाद सप्लाई ऑर्डर दे दिया है और इसके साथ ही वर्दी की सैंपलिंग भी हो चुकी है। अब सप्लाई ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में बच्चों को वर्दी मिल जाएगी। गौर रही कि प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में बच्चे हैं जो नई वर्दी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे कोविड में घर पर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। 2 साल बाद रेगुलर कक्षाएं शुरू हुई, ऐसे में पुरानी वर्दी भी छोटी पड़ गई है। वहां विभाग भी इस प्रयास में था कि रेगुलर कक्षाएं शुरू होने के बाद बच्चों को समय पर वर्दी मिल जाए। पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्कूलों में हर साल फ्री वर्दी दी जाती है। इस बार वर्दी खरीद प्रक्रिया में पहले ही देरी हो गई है। विभाग की माने तो नए साल में 15 जनवरी तक छात्रों को स्कूल में वर्दी मुहैया करवाई जाएगी। शिमला से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। HRTC जनवरी के पहले हफ्ते में शिमला से कटरा के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। विस्तार से देखिए ये खबर। शिमला से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। HRTC जनवरी के पहले हफ्ते में शिमला से कटरा के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। शिमला से बिलासपुर, घुमारवी, भोटा, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट से जम्मू होते हुए वोल्वो कटरा पहुंचेगी। खास बात ये है कि वोल्वो के किराए में यात्रियों को पहले महीने करीब 35% की छूट दी जाएगी। 25% ऑफ सीजन डिस्काउंट के साथ पहले महीने में 10% प्रमोशनल डिस्काउंट देने का फैसला लिया गया है। 25% डिस्काउंट के साथ शिमला से कटरा का किराया 1638 रुपए बनता है, जबकि 10% अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ किराया 1475 रुपए लिया जाएगा। HRTC में ड्राइवर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब आखिरी मौका है। ड्राइवरों के 332 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय रह गया है। 27 दिसंबर की शाम को जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवार 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
एचआरटीसी में ड्राइवर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब आखिरी मौका है। एचआरटीसी ने ड्राइवरों के 332 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ अब एक दिन का समय रह गया है। 27 दिसंबर की शाम को जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवार 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अब इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है। एचआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किन्हीं कारणों के चलते आवेदन नहीं किया है, वह उम्मीदवार 2 दिनों के अंदर एचआरटीसी में ड्राइवर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री मंडी में होंगे, उसी दिन कांग्रेस ने भी सरकार के विरोध की रणनीति बना डाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में कांग्रेस 27 को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस का आयोजन करेगी। इस दिन हर जिला में डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सरकार की विफलताओं का एक ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिमला में वह स्वयं राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में कांग्रेस 27 को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस का आयोजन करेगी। इस दिन हर जिले में डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सरकार की विफलताओं का एक ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिमला में वह स्वयं राजभवन में जाकर राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपेंगे। राठौर ने कहा कि एक तरफ देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, 5 राज्यों ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है, प्रदेश सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का कोरोना को लेकर दोहरा मापदंड व नियम है, सरकार इस खतरे को लेकर कतई गंभीर नहीं है। राठौर ने कहा कि सरकार अपने 4 साल के जश्न की सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन को पानी की तरह बहा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 साल के शासनकाल में कुशासन के चलते बेरोजगारी व महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उपचुनावों में भाजपा को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा है, बावजूद इसके वह 4 साल का जश्न मना रही है। चलते चलते में नजर इन बड़ी खबरों पर। चंबा के पक्काटाला में दम घुटने से चौकीदार की मौत, वेटरिनरी अस्पताल में नाइट ड्यूटी के दौरान गई जान। सेब खरीद पर 45 लाख की ठगी, गुजरात के खरीदार ने ढली के कारोबारी को लगाई चपत। फास्ट फूड शॉप में भड़की आग, ओकओवर के पास आगजनी, 3 लाख रुपए का नुकसान। मनाली में 80% होटलों के कमरे पैक, क्रिसमस पर बढ़ी रौनक, बर्फ के बीच मस्ती का दौर। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।